हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। और दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो कंपनीज हैं, TCS को ही ले लो आप, जो ये कंपनी आज क्या कर रही है इस टाइम पे, अक्टूबर के महीने के बाद की जो इंटरव्यूज़ ये ले रही हैं, तो बंदों को वेट करवा रही हैं लॉबी में ही और अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रही उनकी रिक्वेस्ट। तो इस तरीके के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी लोगों के साथ ये दिक्कत है, तो वो वीडियो एक बार जरूर चेकआउट करना जाके। तो वो जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसके नीचे एक बंदे का कमेंट आया था और ये कमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस बंदे ने वीडियो के नीचे लिखा था कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, कि मतलब इसको भी वेट करवा के रखा। इसने लिखा था कि भाई मेरे साथ ही ऐसा ही हुआ था, 11:30 बजे मेरा इंटरव्यू की टाइमिंग थी HR की, पर मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया और मैं वेट करता रहा 3-4 घंटे। फिर उनका मेल आया 3 बजे और इंटरव्यू हुआ, और 4:30 बजे उन्होंने सॉरी भी बोला और बोला कि टेक्निकल इशू था, इस वजह से इंटरव्यू वगैरह नहीं ले पाया। और HR ने कॉल भी किया था और पुराने वाले लिंक से दोबारा ज्वाइन करने को बोला। तो पहले तो उसका इंटरव्यू नहीं हुआ था, मतलब 11:30 बजे उसका इंटरव्यू था पर हो नहीं पाया था। पर फिर वो वेट करता रहा 3-4 घंटे, और फिर उस पर HR की कॉल आई और HR ने कहा कि आप पुराने वाले लिंक से मतलब ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी, टेक्निकल इशू था बता रहे थे HR उस बंदे को। तो जो बंदे कह रहे थे कि हमारा इंटरव्यू रीशेड्यूल होगा या नहीं होगा, तो उनको थोड़ी मतलब रिलीफ मिल जाएगा ये सुन के कि शायद आपका इंटरव्यू हो सकता है, पर ये 100% हर एक के केस में नहीं होगा, इतना तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ। पर यह है कि आपके केस में ऐसा हो सकता है, ये आपके लक के ऊपर बात है कि वो आपसे बाद में कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि काफ़ी कमेंट मेरे पास ऐसे भी आए थे बंदों के जिन्होंने 16-16 घंटे लॉबी में वेट किया है। 16 घंटे लगभग एक दिन के बराबर ही समझ लो, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो उतनी देर उन्होंने वेट किया और फिर भी मतलब ना कोई कॉल आई, ना HR का कोई रिस्पॉन्स आया, कुछ नहीं आया। पर ये बंदा जो था ये लकी था, तो HR ने इसको कॉल की और दोबारा रीशेड्यूल के लिए कह दिया पुरानी लिंक से। तो एक चीज़ तो पक्की है कि अगर आपका लिंक मतलब कि अगर आपका जो इंटरव्यू है वो रीशेड्यूल हो रहा है, तो आप पुराने ही लिंक से उसको ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको HR बाय चांस कॉल करता है। तो रीशेड्यूल की जिनकी भी दिक्कत थी, जिनके साथ ये वाला दिक्कत हो रही थी कि लॉबी में बाहर वेट करना पड़ रहा था, तो वो ज़्यादा टेंशन मत लेना। पर फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 100% HR का कॉल आएगा ही आएगा, ऐसे कोई वो नहीं है, क्योंकि काफ़ी बंदे ऐसे भी हैं जिन पर HR का कॉल आया ही नहीं इतना टाइम वेट करने के बाद। पर कुछ अगर आपका लक रहा और आपकी किस्मत अच्छी रही, तो आपके पास दोबारा कॉल आएगा और दोबारा से आप इंटरव्यू अपना दे पाओगे। और जिनकी रिजल्ट की दिक्कत है, और वो तो ये समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा बंदों के अभी तक इंटरव्यू पूरे नहीं हुए, तो रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर नवंबर के महीने में आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा, इतना तो पक्का है। तो दोस्तों, ये बताने वाला था मैं आज इस वीडियो में आपको, और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखना जाके, तब आपको पूरा सीन समझ में आएगा कि क्या चल रहा है और किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये तो मिलते हैं आपसे इसी के साथ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ऑसम।